अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने ऑनलाइन पढ़ाई करने का तरीका बताने वाला हूँ। आप ध्यान से इसे देखें। यह आपके सामने दिख रहा है PCMC अल्पभाषा एजुकेशन का एक एप्लीकेशन, जिसे हमने ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए बच्चों के लिए बनाया है। जब हम इसमें जाते हैं तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा जो कि हमारा ब्लॉगर पेज है, जिसका नाम है PCMC अल्पभाषा एजुकेशन। उसके नीचे आपको होम का बटन दिखेगा, जो हम डायरेक्ट होम पेज पे आ सकते हैं। ई बाल भारती बुक्स है, उसमें आपको ढेर सारी किताबें दिखेंगी, हर मीडियम की, हर लैंग्वेज की किताब मिल जाएगी। आप ऑनलाइन भी उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर उर्दू है, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है और मराठी मीडियम का भी है यहाँ पर। तो हम उर्दू मीडियम से हैं तो उर्दू के इसमें जाना है। जून का महीना चल रहा है अभी, तो जून के महीने में जाना है। फिर उसमें क्लास सेलेक्ट करना है। मैं आपके सामने एग्जांपल के तौर पे एक फ़र्स्ट क्लास पे ही, और उसका मज़मून खुलेगा क्लिक करने के बाद। फिर उर्दू को मैंने क्लिक करके उर्दू मज़मून को ओपन करना है। फिर आपके सामने ये विंडो खुलेगा, उर्दू क्लास का पहली जमात का सब्जेक्ट। उसके सामने पेज की तैयारी है, जहाँ पे आपको सबक का नाम वगैरह दिखाई देगा। फिर उसके बाजू में क्लिक हियर, ये वाला जो बटन है, ई लर्निंग साहित्य, यानी यहाँ पे आपको वीडियोस, गाने वगैरह जो भी है सबक से रिलेटेड आपको मवाद मिलेगा, उसे क्लिक करना है। एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक यूट्यूब का वीडियो शुरू हो जाएगा। यूट्यूब का वीडियो आपने इसे गौर से आपको इसे गौर से देखना है और ध्यान में रखना है, या फिर आप लिख के भी निकाल सकते हैं इसे। फिर उसके बाद आपके सामने आता है स्वाध्याय उपक्रम। आपको घर में जो करने के लिए काम दिया जाएगा, जो ये कॉलम है, इसके अंदर आपको घर में काम करने के लिए दिया जाएगा कुछ काम, या आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा। यहाँ पे आपको घर में काम करने के लिए भी अच्छा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बकरी नवापुर गांव में एक किसान के घर में नीलू एक कहानी दिखाई गई है। इसमें आपको ये कहानी देखना है, ध्यान देना है, और उसके अंदर जो भी जानवरों के नाम है वो लिख कर अपनी कॉपी में, बयाज में निकालना है। फिर उसके बाद एक लास्ट जो कॉलम है, ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। इस पर हमको क्लिक करना है, और क्लिक करने के साथ आपके पास एक फॉर्म खुलेगा। जो फॉर्म है वहाँ पे आपको अपनी स्कूल का नाम डालना है, उर्दू स्कूल रूपी नगर, एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ। फिर उसे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे बच्चे का नाम डालना है, जैसे यहाँ डाला मैंने अयन, पूरा नाम डाल भी सकते हैं आप, मैंने सिर्फ एक शॉर्ट डाल दिया है एग्जाम्पल दिखाने के लिए। फिर उसके बाद करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपका जो कहानी है, मजमून है, जो भी नेम का बताया गया वीडियो है, उस पे आपको सवालात पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने सेब इस लफ्ज़ जैसा दिखाई देने वाला लफ्ज़ कौन सा है, सेब के जैसा कौन दिखाई देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने सेब को ही सिलेक्ट किया है। फिर तरबूज इस लफ्ज़ जैसा दिखाई देने वाला लफ्ज़ कौन सा है, तरबूज, इसके जैसे ही है सेम। चीकू इस लफ्ज़ जैसा दिखाई देने वाला लफ्ज़ कौन सा है, चीकू, जैसा है वैसे ही। अमरूद इस लफ्ज़ के जैसा दिखाई देने वाला लफ्ज़ कौन सा है, अमरूद। कटहल इस लफ्ज़ जैसा दिखाई देने वाला लफ्ज़ कौन सा है, कटहल। फिर इसे हम लास्ट में सबमिट करना है। फिर आपके सामने व्यू स्कोर ऐसा विंडो ओपन होगा, व्यू स्कोर को क्लिक करना है। आपके सामने दिख रहा है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि 10 में से 10 मार्क मिल गए।
तो आपको कितने मार्क्स मिले? 10 मार्क आपको यहाँ पे शो कर दिए जाएंगे, जैसे देखो और नीचे भी दिखाई देगा आपने सब सही सही जवाब दिए हैं। फिर हम इसको बैक बटन पे क्लिक करके वापस पीछे आ सकते हैं होम पेज पे। ये होम बटन, यहाँ पे होम बटन पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे सबसे पहले पेज पे आ गए। इस तरह से हमको पढ़ाई करनी है। आपको इस पढ़ाई के फॉलो अप लेने के लिए आपके क्लास टीचर व्हाट्सएप पे आपको जो कहेंगे वैसी वैसी इंस्ट्रक्शन सुन के आपको उस चीज़ पे अमल करना है। शुक्रिया।